नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। वाराणसी से ब्यूरो रिपोर्ट। धारदार हथियार से 22 वर्षीय युवक की हत्या, हत्या का सुराग जुटाने में लगी पुलिस। शिवपुर थाना क्षेत्र के कादीपुर में राजेश पटेल की पुत्री की शादी समारोह में शामिल होने के लिए सैकड़ों की तादाद में लोग उपस्थित होकर शादी समारोह का आनंद ले रहे थे कि उसी समय नाचते समय किसी ने ईंट का पत्थर फेंक दिया, जिसके बाद किशन गुप्ता पुत्र अजय कुमार गुप्ता निवासी बिसौर थाना शिवपुर वाराणसी ने संदीप सोनकर उम्र 22 वर्षीय से लड़ाई झगड़ा मारपीट करने लगा, लेकिन लोगों ने समझा बुझा कर मामले को शांत करा दिया। लेकिन बीती रात 1 बजे करीब संदीप सोनकर को आकाश गुप्ता, सूर्य प्रकाश कनौजिया, संदीप गुप्ता सब अपने साथ लेकर किशन गुप्ता निवासी पिसौर थाना शिवपुर के घर पहुंचकर गाली गलौज करना शुरू कर दिया, जिसके बाद किशन गुप्ता पुत्र अजय गुप्ता ने अपने घर में से धारदार हथियार लेकर बाहर निकला और बीच में वार कर दिया, जिसके कारण 22 वर्षीय संदीप सोनकर की मौके पर ही मौत हो गई। उधर संदीप सोनकर के साथ गए दोस्तों ने मामले की सूचना परिजनों को दी। परिजनों ने शिवपुर पुलिस को मामले की सूचना दी और घटनास्थल पर पहुंचकर घायल को साथ में लेकर निजी चिकित्सालय में लेकर इलाज करवाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक 8 भाइयों में 7वें नंबर का भाई था, जो कि स्टेशन पर पानी और मछली को बेचने का काम करता था। मृतक के भाई बबलू सोनकर पुत्र बच्चेलाल सोनकर ने शिवपुर पुलिस को लिखित धारदार हत्या करने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है। शिवपुर पुलिस तहरीर के आधार पर मामले की तफ्तीश में जुट गई है। वहीं मृतक के भाई डब्लू संतोष, मोनू, सोनू, पंटी, किशन एवं दोनों बहनें ज्योति एवं प्रीतम का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक की मौत से इलाके में कोहराम मचा हुआ है।